गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआरटी यूट्यूब चैनल एंड एमबीए सेकंड ईयर जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड बेसिकली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग कम्युनिकेशन को हमें इस सब्जेक्ट में डिस्कस करना है। आज का जो ये टॉपिक है इट इज अ वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है और इसके साथ साथ हमें कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के साथ साथ उसकी डिटेलिंग को भी समझना है कि एक्चुअली में कंज्यूमर और कस्टमर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था द पर्सन हु एक्चुअली कंज्यूम्स और द पर्सन हु परचेजेस तो दोनों का फर्क आई होगा आपको अब समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो कंज्यूमरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंटेम्पररी एनवायरमेंट में एक कंज्यूमर किस किस तरीके से बिहेव करता है, रिएक्ट करता है और वी कैन से द कंज्यूमर बिहेवियर इन अ कंटेम्पररी एनवायरमेंट कि हाउ ही और शी रिएक्ट्स और बिहेव इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट या फिर हम इसको कह सकते हैं कंज्यूमरिज्म कि किस तरह का एक्चुअल कंज्यूमर बिहेवियर रिएक्ट करता है, क्या फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे, तो वो सब आज हम इस क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि क्लास स्टार्ट करने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आप समझ लीजिए। टॉपिक को पूरा समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपनी अटेंडेंस को मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नेम मेंशन करें। अगर ऑडिबिलिटी इशू है तो आप प्लीज ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने जिससे कि वो इशू ना रहे। कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग इशू नहीं होता है अगर तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सिंपल टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप आसानी से इस वीडियो के दौरान समझ पाए। कंज्यूमर बिहेवियर इन अ कंटेम्पररी एनवायरमेंट। कंज्यूमरिज्म इज द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एफर्ट फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप्स गवर्नमेंट और वेरियस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस और टू सेफगार्ड देयर राइट। अगर मैं कंज्यूमरिज्म की बात करती हूँ तो कंज्यूमरिज्म एक ऐसे एफर्ट को, एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट को कहा जाता है जो ग्रुप ऑफ पीपल या किसी इंडिविजुअल या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है जिसकी मदद से वो कंज्यूमर्स को बेसिकली अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचा सके। कोई भी जो कंज्यूमर है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस को फेस ना करे। बिजनेस में क्या होता है कि फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करना इज एथिकल। कंज्यूमरिज्म का जैसे आपने सुना भी होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स बनाई जाती है तो किस लिए बनाई गई है वो कंज्यूमरिज्म के अंदर ही आती है। जब एक गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या किसी भी तरह की कोई बिजनेस एंटिटी जो अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इतने एफर्ट्स को लगाकर कोशिश करती है कि किसी भी तरह का कस्टमर जो है वो किसी भी तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस को फेस ना करे तो दे कैन प्रोटेक्ट देयर द कंज्यूमर फ्रॉम द अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड सेफगार्ड देयर राइट। जो कस्टमर का राइट है, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू रिसीव, राइट टू क्वालिटी, तो ये सब चीजें जो हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे तो उनकी राइट्स को सेफगार्ड कर सके और किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस से उन्हें बचा सके। द ग्रोथ ऑफ कंज्यूमरिज्म हैज लेड मेनी ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूविंग देयर सर्विसेज टू द कस्टमर। ये जो कंज्यूमरिज्म की जो एक अभियान चलाया गया या जैसे इसका डेवलपमेंट हुआ तो इसकी वजह से काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनको फॉलो कर रही हैं, फोकस हो गई हैं और कोशिश कर रही हैं कि वो अपने कस्टमर को या अपने कंज्यूमर को अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट सप्लाई करें और फेयर प्रैक्टिसेस के साथ डीलिंग करें। कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग। अगर मैं मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता था कि वी आर बेसिकली फोकस्ड ऑन प्रॉफिट अर्निंग, मगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट प्रॉफिट तक नहीं है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अनलेस एंड अनटिल द कस्टमर इज सेटिस्फाइड तब तक हम ये नहीं मान सकते कि भाई मार्केटिंग का हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि कस्टमर इज द अल्टीमेट किंग ऑफ द मार्केट। इन अ मार्केट इकोनॉमी द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इज गिवन इन द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड एवरी एफर्ट इज मेड टू एनकरेज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर कंज्यूमरिज्म को ध्यान में रखते हुए या मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी के अंदर मार्केट इकोनॉमी के अंदर इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है कि एनी हाउ We first need to satisfy our consumer. कुछ भी हो, whether any of the possibility, आपको कोशिश करनी है हर हाल में कि आपका
है वो सेटिस्फाइड हो, किसी तरह की उसकी राइट्स नहीं वो होनी चाहिए कि जिससे कि उसको प्रॉब्लम हो, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस में उसको नहीं पढ़ना है, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, सर्विस वाइज, कंजम्पशन वाइज किसी तरह का कोई प्रॉब्लम वो फेस ना करे। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस कॉन्सेप्ट को दी गई है कि एनी हाउ यू नीड टू सेटिस्फाई योर कस्टमर। इसके बाद However, there might be instances where consumers are generally ignored and sometimes they are being exploited as well. काफी जगह ऐसा होता भी है, काफी examples भी हैं। अगर हम marketing को deeply पढ़ेंगे या ऐसे examples की तरफ जाएंगे तो ऐसा होता रहता था जब से ये concept generate हुआ है, तो चीजें कम हो गई हैं कि काफी examples या chances होते हैं जब consumers ignore कर दिए जाते हैं brands या outlets की तरफ से, या फिर they are exploited. Therefore, consumers come together for protecting their individual interests. It is a peaceful and democratic movement for self-protection. Consumer movement is also known as consumerism. तो इन सब चीजों से दूर बचने के लिए या इन सब चीजों को ना फेस करना पड़े तो कंज्यूमर्स अपने राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए एक साथ जब आते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, ग्रुप लेवल पर, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, उसे हम इस मूवमेंट को कहते हैं कंज्यूमर मूवमेंट, जिसको आगे कहा गया कंज्यूमरिज्म। इस कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंट में कंज्यूमर बिहेवियर में हमें यही समझना है कि हाउ अ कंज्यूमर विल बेसिकली इन्वॉल्व इन सेफगार्डिंग हिज और हर राइट्स, या फिर जो इंडिविजुअल ग्रुप या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो कितने हद तक रिस्पॉन्सिबल है कंज्यूमर्स के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए और जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनसे उन्हें बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमरिज्म जो अभी हमने समझने की कोशिश करी इसके क्या फीचर्स हैं। हाईलाइटेड आर सम ऑफ द नोटेबल फीचर्स जैसे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। सबसे पहला फीचर कंज्यूमरिज्म का या इस कंज्यूमर मूवमेंट का होता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। किसकी राइट्स? कंज्यूमर्स की राइट्स। कंज्यूमरिज्म हेल्प इन बिल्डिंग बिजनेस कम्युनिटीज एंड इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट देयर राइट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। कंज्यूमरिज्म से हेल्प होती है कि भाई आप कंज्यूमर और जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं इन प्रोटेक्ट देयर राइट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना कि जो उनका हक है वो कोई छीने ना, और इसके अलावा किसी भी तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व ना, कंज्यूमर भी और जो बिजनेस ग्रुप्स और एंटिटीज जो कंज्यूमर को सपोर्ट करने में लगी हैं उन्हें भी। तो सबसे पहला फीचर है कंज्यूमरिज्म का बेसिकली टू सेफगार्ड द राइट, टू प्रोटेक्ट द राइट। प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस। कंज्यूमरिज्म प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस विद इन द बिजनेस कम्युनिटी सच एज होर्डिंग, एडल्टरेशन, ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिट अर्निंग एक्सेट्रा। प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? घोटाला। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो इलीगल है वो माल प्रैक्टिसेस में काउंट होती है। तो ये कंज्यूमरिज्म का फीचर है कि आप इस मूवमेंट से, इस एफर्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी बिजनेस एंटिटी को कि वो कस्टमर के साथ इस तरह की कोई प्रैक्टिसेस फॉलो करे, जैसे कि जानबूझकर रेट्स बढ़ा देना, एडल्टरेशन से रिलेटेड चीजें करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, सामान होते हुए भी ज्यादा पैसों में उसको बेचना, प्रॉफिट अर्निंग, कोशिश करना कि आप कस्टमर से अनड्यू एडवांटेज उठाकर प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो ये एक फीचर होता है कंज्यूमरिज्म का जिसमें इस तरह की माल प्रैक्टिसेस, इलीगल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज यूनिटी अमंग कंज्यूमर। कंज्यूमरिज्म में बेसिकली कंज्यूमर्स के अंदर यूनिटी लाने की कोशिश की जाती है। कंज्यूमरिज्म एम एज क्रिएटिंग नॉलेज एंड हार्मनी अमंग द कंज्यूमर्स एंड टू टेक मेजर्स ऑन इश्यूइंग लाइक कंज्यूमर लॉ, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपका कंज्यूमरिज्म में यूनिटी की मैं बात कर रही हूँ, तो इस एफर्ट से क्या है कि कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को बेसिकली इन्फॉर्म किया जाता है, उनकी नॉलेज बढ़ाई जाती है और उनको बताया जाता है कि आपकी क्या राइट्स हैं कंज्यूमर लॉ के जरिए, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केटिंग माल प्रैक्टिसेस, जैसे मार्केट में अगर कोई गलत प्रैक्टिसेस चल रही है तो उसके खिलाफ उनको अवेयर किया जाता है। मिसलीडिंग और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस अगर चल रही है, जैसे अगर आपने एग्जाम्पल में देती हूँ कि शेयर मार्केट आर सब्जेक्टेड टू इंडिविजुअल रिस्क, तो ये पहले से ही उनको सूचित कर दिया जाता है। तो बेसिकली इस तरह की यूनिटी कस्टमर्स में आ जाती है, कंज्यूमर्स में, जिससे कि वो अपने जो बेसिकली राइट्स हैं उनको सेफगार्ड कर सके, नॉलेज गेन्स कर सके, मार्केट के अंदर जो गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं उन्हें रोक सके,
तो इस तरह की यूनिटी उनके अंदर होती है. नेक्स्ट इज एनफोर्सिंग कंज्यूमर राइट्स. कंज्यूमरिज्म एम्स टू अप्लाई फोर बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर. ये जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर मूवमेंट का या कंज्यूमरिज्म का, इनका फोकस रहता है कि हम कंज्यूमर राइट्स को एनफोर्स करें, इंश्योर करें कि जो राइट आपकी है वो आपको बेसिकली मिल रही है, आप उनको फॉलो कर रहे हैं. कुछ ऐसा नहीं हो रहा है मार्केट में कि आप अपनी राइट्स को प्रैक्टिस ना कर पाए. अब वो फोर बेसिक राइट जो हम बार बार कोशिश कर रहे थे डिस्कस कर ले, जैसे राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर हर हाल में सेफ हो बाय कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट. किसी भी तरह का कोई ऐसा प्रोडक्ट जो उसकी हेल्थ के लिए इंजीरियस हो सकता है, तो उनकी सबसे पहली राइट होती है राइट टू सेफ्टी. अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी उनको ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी चीजें कंज्यूम करवा रहे हैं जिससे उनको जो सिक्योर नहीं है, जो उनकी सेफ्टी बेनिफिट के लिए सही नहीं है, तो जो कंज्यूमर है या कंज्यूमरिज्म एक्ट के अंदर वो उसको लीगली क्लेम कर सकता है कि यस इट इज एक्सप्लॉइटिंग माय राइट टू सेफ्टी. नेक्स्ट होता है राइट टू बी इन्फॉर्म. हर एक कस्टमर कंज्यूमर की राइट है कि वेदर आई एम अ कंज्यूमर, अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं मार्केट में अगर कोई सामान ले रही हूँ उसको कंज्यूम करूंगी, तो मेरे पास राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म. किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में जानकारी लेना, समझना, हाउ टू हैंडल, हाउ टू यूज, हाउ टू कंज्यूम, व्हाट इज द पैकेजिंग डेट, व्हाट इज द एक्सपायरिंग डेट, ये सब चीजें जो हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो क्यों दी जाती है? बिकॉज वी हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म. सब सूचित करने की हमारी राइट है, हमारा हक है अंडर दिस कंज्यूमरिज्म. इसके अलावा राइट टू चूज, आई हैव द राइट टू चूज. अगर मैं मार्केट में हूँ और मुझे जो चीज चाहिए तो मेरे पास ये राइट है कि मैं चॉइस ले सकती हूँ. मैं मार्केटर को बता सकती हूँ कि दीज आर माई नीड्स एंड वॉन्ट्स, उसके अंदर मुझे सिलेक्शन करने का चांस मिलेगा. ऐसा नहीं है कि जो चीज मैं चाह रही हूँ बट मार्केट में मैं जाऊंगी तो मुझे वो नहीं, जो मार्केट में होगा वो मिल जाएगा. नो, आई हैव द राइट टू चूज. मैं अपनी इच्छा से, अपनी नीड, अपनी वॉन्ट के हिसाब से चीजों को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को सेलेक्ट कर सकती हूँ, चूज कर सकती हूँ. एंड लास्ट इज राइट टू रिड्रेस. रिड्रेस का मतलब है रिड्रेसल, कि अगर मुझे कोई परेशानी है, कोई कंप्लेन है, तो आई हैव द राइट टू कंप्लेन. मैं अपनी आवाज उठा सकती हूँ. तो दीज आर द बेसिक राइट्स जो एंश्योर हो जाती है कंज्यूमरिज्म के अंदर. ये एफर्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के जरिए, इंडिविजुअल्स के जरिए, जिसमें कंज्यूमर्स को यूनाइट करने की कोशिश की जाती है और कोशिश की जाती है कि इनकी जो राइट्स हैं ये एंश्योर हो जाए, किसी तरह की इसमें प्रॉब्लम ना हो. इसके अलावा बेटा अगर बात करें, एडवर्टाइजिंग एंड टेक्नोलॉजी आर द टू ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ कंज्यूमरिज्म. आप कंज्यूमरिज्म को आगे चलाना या फिर इसको वर्ल्ड वाइड लोगों के दिमाग तक पहुंचाना, उसके पीछे दो इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्सेस हैं, एडवर्टाइजिंग और टेक्नोलॉजी, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. एडवर्टाइजिंग आजकल टोटली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गई है और टेक्नोलॉजी ने एडवर्टाइजिंग को ईजी कर दिया है. फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स ऑफ कंज्यूमरिज्म इज एडवर्टाइजिंग. Here it is connected with the ideas, thoughts through which product is made and the consumer buy the product. Through advertising we get necessary information about the product we have to buy. सबसे पहला जो driving force है बच्चों वो होता है advertising. Advertising की मदद से क्या होता है कि we get the ideas and thought through which the product is made. Ideas, concepts समझ में आते हैं कि भाई किस concept के ऊपर ये product बनाया गया है. जैसे market में बहुत सारे products आते हैं, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टूथपेस्ट, तो उसका एक आइडिया है कि भाई किस एज के लिए या बच्चों के लिए या फिर कैविटी के लिए या कैल्शियम की पॉसिबिलिटी के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो उस आइडिया, उस थॉट को आप कन्वे कर सकते हैं. एंड द कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट वी गेट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. इसके अलावा हम ये भी देख पाते हैं कि भाई इसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि प्रोडक्ट जो हम चाह रहे हैं वो इस तरह का प्रोडक्ट है, इस आइडिया से बनाया हुआ है और हमारी नीड एंड वॉन्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं है, अगर हम उस इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइजिंग के थ्रू देख पाते हैं. बहुत ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स एड के जरिए इंटरेक्ट होकर मार्केट में चीजों को ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई इस तरह का प्रोडक्ट जो इस आइडिया, इस कॉन्सेप्ट से बनाया है, हमने देखा है, तो वो हमें मिल जाए. तो एडवर्टाइजिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी मदद से कंज्यूमरिज्म जो है वो ईजी हो जाता है. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज अपग्रेडिंग वेरी फास्ट. It is necessary to check the environment on daily basis as the environment is dynamic in nature. Technology बहुत जल्दी अपग्रेड हो रही है. रोज रोज environment को अपडेट करना important हो गया है business firms के लिए, क्योंकि चीजें seconds में change हो रही है. Development इतना आ रहा है, technology इतनी upgrade हो रही है कि ये हमारे लिए बहुत important हो जाता है. Product should be manufactured using new technology to satisfy the customer. अगर आप चाहते
वो सेटिस्फाइड रहे, तो नई से नई टेक्नोलॉजी से अगर प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कंज्यूमर उनसे सेटिस्फाइड है। भाई जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मोबाइल फोन्स की रिक्वायरमेंट आई, धीरे धीरे टैप फोन से टच फोन पर आई, फिर क्या हुआ जनरेशन में चेंजेस आए 2G 3G 4G 5G, तो 4G 5G की जितनी डिमांड है वो 2G और 3G तो आने ही अपने आप बंद हो गए हैं, क्योंकि कस्टमर भी सेटिस्फाई कैसे हो रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सेटिस्फाई हो रहा है, ओल्ड टेक्नोलॉजी से उसका कोई लिंक नहीं है, जो बेसिकली उस चीज को यूज भी करना नहीं चाहते, बट वो सेटिस्फाई तभी होंगे जब उनको नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी की चीजें मिलेंगी। जैसे अगर हम आजकल छोटे बच्चों की भी बात कर लेते हैं तो वो भी चीजों को उतना नहीं समझते हैं, मगर स्टिल दे वांट कि हमें सबसे अपडेटेड चीज मिले। तो ये एनवायरमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी में टोटली डिपेंडेंट होता है। ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वोंट हेल्प द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर टू सस्टेन देयर बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। लंबे समय तक पुराने टेक्नोलॉजी पे बनी हुई चीजें या पुरानी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाती हैं और उनको फिर आगे चलकर डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। तो क्लास आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कंज्यूमर बिहेवियर इन कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंट, कि भाई कंज्यूमरिज्म क्या है, किस तरह का मूवमेंट चला, कैसे डेवलप हुआ, इसमें क्या क्या फैक्टर्स थे, इसके अलावा कौन से दो ड्राइविंग फोर्स थे जो कंज्यूमर या कंज्यूमरिज्म को इम्पैक्ट करते हैं। इसके अलावा क्लास में कंटेंट को समझने के लिए इस वीडियो के लिंक में नोट्स अटैच हैं, वर्ड टू वर्ड आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई होप क्लास का कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इसके अलावा स्टूडेंट कंज्यूमर बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार आपको ये रिकॉल करा दूं क्लास में कि हमें एज अ कंज्यूमर एज अ कस्टमर बन के समझना है, क्योंकि वी आर अ कंज्यूमर इन द मार्केट। आप आपकी फैमिली मेंबर्स किसी ना किसी नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट से प्रोडक्ट और सर्विसेज लेते हैं। उस समय पर सामान खरीदते हुए सर्विसेज को लेते हुए हमारे दिमाग में क्या चलता है, हम ब्रांड को देखते हैं, कई बार हम प्राइस को देखते हैं, कई बार हम अपनी जरूरतों को देखते हैं। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग सिचुएशन है जिस पर हमारा रिएक्ट करना, हमारा बिहेवियर भी कई बार अलग हो जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनी जो मार्केटर है, जो बिजनेस फर्म है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह का प्रोडक्ट ला रही है, हमें किस तरह से अट्रैक्ट कर रही है कि भाई अगर मैं ऐसा कुछ ऑप्शन लाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी ने सेल ऑफर कर दी तो उस समय पर कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो उसको अलग तरीके से दिखेगा। अगर कोई नया ऑप्शन है कि भाई नई चीजों पर कंपनी डिस्काउंट नहीं ला रही है तो उस समय पर हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमें इस लेक्चर में पढ़ने हैं, समझने हैं, जो हम कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और अगर आपको आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच।